फेक न्यूज के इस भ्रमजाल को आज आप हमारी एक दूसरी खबर से भी समझ सकते हैं। भारत में वैक्सीनेशन पर बड़े परेशानी भ्रामक जानकारियों को लेकर भी है। वैक्सीन को लेकर बहुत फेक न्यूज फैलाई गई। वैक्सीन को लेकर देश में आधे सच और सफेद झूठ की मार्केटिंग और सप्लाई हो रही है। इसलिए आज खुद नीति आयोग ने वैक्सीनेशन को लेकर देश में हर झूठ का सच बताया। पहला भ्रम यह है कि भारत विदेशी कंपनियों से वैक्सीन नहीं खरीद रहा है जिनके पास वैक्सीन के पर्याप्त डोज है। इस आरोप का सच बताते हुए नीति आयोग ने कहा कि केंद्र सरकार 2020 से ही वैक्सीन आयात करने की कोशिश में लगी हुई है। केंद्र सरकार फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के लिए कई राउंड की बात भी हुई है और भारत सरकार की कोशिशों के बाद ही स्पुतनिक वी वैक्सीन को मंजूरी मिली है। पहला भ्रम। दूसरा भ्रम यह है कि भारत सरकार विदेशों में उपलब्ध वैक्सीन को मंजूरी नहीं दे रही है। इस भ्रम पर नीति आयोग ने कहा कि भारत सरकार ने अप्रैल 2021 में ऐसी वैक्सीन की एंट्री आसान कर दी है जिसे अमेरिका की FDA, इंग्लैंड की MHRA, जापान की PMDA और WHO की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग की मंजूरी मिली हुई है। उनके लिए आसान हो गया और भारत में किसी विदेशी वैक्सीन निर्माता कंपनी की कोई एप्लीकेशन अप्रूवल के लिए पेंडिंग नहीं है। तीसरा भ्रम यह है कि देश में डोमेस्टिक स्तर पर, घरेलू स्तर पर वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। ये फेक न्यूज फैलाई जाती है ना। नीति आयोग ने इस आरोप पर कहा है कि केंद्र सरकार 2020 की शुरुआत से ही ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को वैक्सीन उत्पादन के लिए सक्षम बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। भारत में अक्टूबर तक हर महीने कोवैक्सीन की 10 करोड़ डोज तैयार करने की तैयारी हो रही है। 10 करोड़ डोज हर महीने अक्टूबर तक। कोविशील्ड हर महीने 11 करोड़ डोज के उत्पादन की तैयारी हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक स्तर पर हम लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने की। चौथा भ्रम यह है कि केंद्र को वैक्सीन पर अनिवार्य लाइसेंसिंग लागू कर देना चाहिए, इन्वोक कर देना चाहिए। इस पर आयोग का कहना है, नीति आयोग का, कि भारत अनिवार्य लाइसेंसिंग से भी एक कदम इनफैक्ट आगे बढ़ चुका है। कोवैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत बायोटेक और 3 संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। यही नहीं, स्पुतनिक के लिए भी ऐसी कोशिशें की जा रही हैं। यह सब फेक न्यूज है। पांचवा भ्रम यह है कि वैक्सीन पर केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी। 50% सेंटर देगा, 50% स्टेट प्रोक्योर करेगा। तो भ्रम फैलाया जा रहा है कि सेंटर ने सारी जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी। इस पर नीति आयोग का पक्ष है। नीति आयोग ने कहा है कि सरकार वैक्सीन की मंजूरी, उत्पादन, सप्लाई और इंपोर्ट जैसे कई काम बहुत तेजी से कर रही है। केंद्र जो वैक्सीन खरीद रहा है उसे तेजी से राज्यों को दिया जा रहा है। छठा भ्रम यह है कि केंद्र राज्यों को पर्याप्त वैक्सीन नहीं दे रहा है, बहुत कमी है। इस पर नीति आयोग का पक्ष है। नीति आयोग का कहना है कि सरकार सबकी सहमति के बने दिशा निर्देशों से सभी को पर्याप्त वैक्सीन दे रहा है। जो दिशा निर्देश है वो सबकी सहमति से बने हैं और उन्हीं दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी को पर्याप्त वैक्सीन दे रहा है। जल्द ही वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ने वाली है और राज्यों को ज्यादा वैक्सीन मिल पाना संभव होगा। सातवां भ्रम, सबसे जरूरी, केंद्र सरकार बच्चों की वैक्सीन के लिए क्या कर रही है? बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए कदम नहीं उठा रही है। आयोग ने इस पर आरोप पर भी कहा है कि दुनिया का कोई भी देश अभी बच्चों को वैक्सीन नहीं दे रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी इस पर कोई सुझाव नहीं है और भारत में बच्चों पर जल्द ही ट्रायल शुरू होने जा रहा है, मंजूरी मिल चुकी है। आज इन सभी फेक न्यूज पर हमने आपके लिए एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है। इसमें नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल वैक्सीन से जुड़ी सभी फेक न्यूज पर जवाब दे रहे हैं और इन सभी बातों को आज आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। एंटीबॉडी कॉकटेल ड्रग जिसके आने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि माइल्ड टू मॉडरेट मरीज गंभीर स्थिति में नहीं जाएंगे, वो अब दिल्ली के अस्पतालों में शुरू हो गई है। भारत सरकार ने जो सिस्टम लिया उसको अपने मद्देनजर रखते हुए वो ये सिस्टम लिया कि 50% जो स्टॉकपाइल है मैन्युफैक्चर होने के बाद भारत में, उसको हम जब स्टेट्स को देंगे आगे पहुंचाने के लिए तो वो 45 एंड अबव के लिए है, सो दैट अ क्लियर प्रायोरिटाइज्ड वैक्सीन डिलीवरी टू द मोस्ट वल्नरेबल हैपेंस।
प्राइवेट सेक्टर में जो जाएगा वो सब खरीद के कोई भी ले सकता है, एक ओपनिंग वहां दे दी गई। स्टेट को क्लियरली कहा गया कि आप फैसला कर लीजिए, स्टेट को ये चॉइस है कि वो 45 से ऊपर के ग्रुप में ही करें या फिर इसको 18 तक उन्होंने काफी ने एक्सटेंड किया, ये उनका फैसला था। अब इन अ फेडरल सिस्टम दिस इज हाउ अ बैलेंस्ड इमर्ज बैलेंस कि प्रायोरिटाइज भी रह गया भारत की तरफ, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से भारत सरकार की तरफ, जो फ्लो हुआ फ्री फ्लो हो रहा है वो फोकस पे भी रह गया, लेकिन स्टेट्स ने फ्लेक्सिबिलिटी मांगी और उनके लिए वो ऑप्शन भी उनके हाथ में दे दी गई कि आप कर लीजिए। बट रिमेंबर द ओवरऑल स्टॉक पाइल इज फाइनाइट एंड द सेम। तो ये एक फेडरल सिस्टम में जो एक मांग आई उसको मद्देनजर रखते हुए उस परिपेक्ष में ये फैसले हुए, और स्टेट्स ने इसको प्रमोट करने की जो जाहिर करी थी इच्छा उसका ऑनर किया। आज हमारे पास रिलेटिव लिमिटेशन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है बाकियों से इन टर्म्स ऑफ नंबर कम है, यू नो इट कि भारत वो देश है जो कि तीसरे नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ डोजेस। तो इस तरह से देखें तो वी आर फॉर्चुनेट क्योंकि हमारे देश में ही बन के हो रहा है, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन मान लिया कि जितनी डिमांड है उस तरफ बढ़ना है, वो रास्ता बहुत हद तक सशक्त है, मिलके चलते हैं और फैसले करते हैं कि बेस्ट कोर्स हमारे लिए सबके लिए क्या है, और उस बेस्ट कोर्स को अपनाते हुए इन द फेडरल सिस्टम बातचीत करके कोऑर्डिनेटेड तरीके से वन अपमैनशिप को नहीं आगे रखते हुए और एक स्मूथ सीमलेस इफेक्टिव सिस्टम को हम लेके चलाएं। हमें तैयार होना होगा कि हम एक दिन में 1 करोड़ डोज दे पाए, कुछ ही हफ्तों में ये संभव हो जाएगा इतनी सप्लाई, हमें उसकी तैयारी करनी है। हमने जब इकट्ठे काम कर रहे थे 43 लाख डोजेज एक दिन में करके दिखाए, मैं उन बच्चों को उन कलीग्स को ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीन और वो भी एक नया वैक्सीन जो कि महीनों में बना, ऐसा नहीं है कि ऑफ द शेल्फ कहीं पड़ा हुआ है या किसी आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो आप ऑर्डर करिए तो वैक्सीन आ जाएगा। इसको देश में लाने की प्रक्रिया ऑन अ डेली बेसिस हो रही है, ऑन एन ऑल्टरनेट डे कॉन्टैक्ट विद द कंपनी फैसले हो रहे हैं एक के बाद एक। तो इसको उस प्रक्रिया को बहुत ही तेज गति से पूरा किया जा रहा है, हैव नो डाउट अबाउट इट। और जो भी उनके कंसर्न्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए, और उन्होंने अभी फॉर्मली अप्लाई भी करना है, वो उनका उनकी तरफ भी एक काम पेंडिंग है, वो अप्लाई करें जो हमसे एक्सपेक्टेड है। उसके लिए पूरी जैसे मैंने कहा सिस्टमेटिक काम बिल्कुल हो रहा है, दिन दिन हो रहा है, घंटे घंटे हो रहा है, और एक रास्ता निकलेगा, जल्दी निकलेगा। हमने बिल्कुल शुरू से हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, माय ऑर्गेनाइजेशन हियर, हमने मिलके इन सब कंपनीज को एंड स्पेसिफिकली फाइजर मॉडर्ना जेएनजे के साथ लगातार बातचीत और कॉन्टैक्ट रखा। अब इम्पोर्ट कब संभव है तो उन्होंने ये क्लियरली इंडिकेट करा कि जब भी ये संभावना निकलेगी दे विल बी वेरी हैप्पी टू एंगेज विद अस। और उन्होंने जनरली इंडिकेट यही करा कि Q3 ऑफ 2021 में ही सप्लाईज वो दे पाएंगे जब उनका रैंप अप वगैरह होगा। कहने का मतलब ये है, इसी तरह से बाकियों के साथ भी बातचीत चलती रही, कहने का मतलब यह है कि एंगेजमेंट में इनवाइटिंग देम टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इनवाइटिंग देम टू सप्लाई इन इंडिया का एंगेजमेंट शुरू से ट्रांसपेरेंट तरीके से पार्टनरशिप की नजर से चलता हुआ आया है। अब हमें इंडिकेट हुआ कि फाइजर वैक्सीन अवेलेबल उपलब्ध कर सकते हैं, इमीडिएटली उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और उसकी तरफ हम तरीके से बढ़ रहे हैं। इसी तरह से पीरियोडिकली अपडेट्स विद मॉडर्ना, अपडेट्स विद जेएनजे होते गए हैं। लेकिन अब एक सक्सेस स्टोरी भी देखिए, स्पुतनिक की तरफ जब दोस्ती का हाथ बढ़ा और मिलके काम करना शुरू करा तो रिजल्ट भी आ गए। तो कोई ऐसा मेंटल ब्लॉक नहीं है कि हमने उनके साथ इंगेज नहीं करना है, बल्कि फाइजर इंडिया जैसी कंपनी हमारे देश में पहले से इतनी अच्छी प्रेजेंस है, वी हैव बीन वर्किंग लाइक अ टीम।
उनको ऑर्डर तभी दे सकते हैं जब एक विजिबल होता है कि वहां पे स्टॉकपाइल है। और ये भी याद रहे कि भारत की नीड को पूरा करने का इतना बड़ा स्टॉकपाइल जो है वो इन कंपनीज में कुल मिला के भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमारा बहुत एम्फेसिस ये रहा कि हम अपने ही देश में बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बहुत बड़ी मात्रा में वैक्सीन की उपलब्धता की तरफ हम बढ़ेंगे सिस्टमैटिकली। और अब आप देखिए वैक्सीन की प्रोडक्शन में हमारे देश में नंबर के तरह से अगर हम चाहें तो वी आर द मेजर एंड अ वेरी बिग हब ऑफ वैक्सीन प्रोडक्शन। ये कार्यक्रम अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले हफ्तों में इसमें और एक्सेलरेशन होगा। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.